हेलो, आज हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम क्लास 8। वी नो दैट सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड ऑल्सो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसका हर एक पार्ट, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा वो सेल है। मतलब बहुत सारे सेल से जुड़कर ही एक ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे कोई बिल्डिंग है, उसको बनाने के लिए एक एक ईंट ब्रिक जो है वो रखनी पड़ती है, फिर एक बिल्डिंग बनती है। तो वो जो ब्रिक जो है वो उस बिल्डिंग का क्या बन गई, स्ट्रक्चरल पार्ट बन गई ना। वैसे ही तो व्हाट इज सेल, इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ एक्चुअली, एंड इट इज़ अ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल से बहुत सारे सेल जुड़कर एक टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू जुड़कर एक ऑर्गेन बनाते हैं, और ऑर्गेन बहुत सारे जुड़कर एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, जो कि अब आगे वाली आने वाली क्लासेस में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर ईदर लिविंग और नॉन लिविंग। हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं वो या तो लिविंग है या नॉन लिविंग है। फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शन। हमको पता है ये बात कि हर एक ऑर्गेनिज्म के पास कुछ खास आदतें होती हैं, उसके कुछ खास काम होते हैं, उसका शरीर जो है अलग तरीके से काम करता है। आपने देखा होगा ना, प्लांट्स में भी लिविंग, प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और एनिमल्स भी, बट उनका काम करने का तरीका, खान पान, रहना सहना सब अलग अलग है। प्लांट जो है वो एक जगह रहते हैं, एनिमल्स मूव कर सकते हैं, और उस कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की। तो चलो देखते हैं कि ये सेल होता क्या है। डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गेन्स परफॉर्म वेरियस फंक्शन। हमारी बॉडी में हमारे बहुत सारे ऑर्गेन हैं, आँखें, कान, नाक, हार्ट, लिविंग किडनी, और रेस्पिरेशन के लिए लंग्स हैं। ये सारे अलग अलग काम करते हैं, फिर भी ये सब के सब किससे बने, वन काइंड ऑफ सेल। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेन विच इज सेल। सेल में भी कंपेयर टू ब्रिक्स, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, जो कि एक बिल्डिंग को बनाते हैं। तो हमारी बॉडी अगर एक बिल्डिंग है तो सेल क्या है, ईंट है। तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी कैसे हुई और किसने की, हु डिस्कवर्ड सेल। एक्चुअली जो पहली बार जो सेल डिस्कवर किया गया था वो एक डेड सेल था, उसके बाद लिविंग सेल को डिस्कवर किया गया। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक कॉर्क की स्लाइस को, वो सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस को उसका था, उसमें वो ऑब्जर्व कर रहा था। वो कॉर्क क्या लिया था उसने, किसी भी पेड़ की एक छाल थी, वो बार्क थी। ही टुक थिन स्लाइसेज ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व दैम अंडर अ माइक्रोस्कोप। उसने पतली पतली स्लाइसेज ली और उनको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना शुरू किया। ही नोटिस्ड पार्टीशन बॉक्सेस, उसे कंपार्टमेंट्स नज़र आए, बॉक्सेस नज़र आए, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो उसने क्या किया कि उन सेल को एक नाम दिया। उसे ये जो सेल थे वो एक हनीकॉम, मधुमक्खी का जो बी हाइव होता है वो हनीकॉम, उसको हम एक शेप बनाते हैं ना, हेक्सागोनल, बहुत सारे हेक्सागोनल शेप आपस में अटैच होकर एक हनीकॉम बनाते हैं, तो वैसा ही उसे कुछ नज़र आया। ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय अ वॉल। उसने ये भी नोटिस किया कि एक बॉक्स जो है वो दूसरे बॉक्स से, किसी पर्टिकुलर वॉल से सेपरेटेड है। तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने इस जो ये बॉक्सेस थे इनको क्या नाम दिया, उनको नाम दिया सेल। उनको उसने क्या कहा, सेल कहा। सो रॉबर्ट हुक वॉज द पर्सन हु फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल। वॉट हाउ ही ऑब्जर्वड अ पीस ऑफ कॉर्क ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री अंडर अ मैग्नीफाइंग डिवाइस। इसके बाद एंटोन वैन ल्यूनहॉक ने डिस्कवर्ड किया लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप में। तो लिविंग सेल के लिए किसका नाम आएगा, ल्यूनहॉक का, और सेल फर्स्ट बार, पहली बार जो डिस्कवर्ड किया उसके लिए नाम आप लिखोगे रॉबर्ट हुक। लिविंग सेल अगर लिखा हो तो आपको लिखना है ल्यूनहॉक। अभी हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। वॉट इज सेल, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर टिपिकली माइक्रोस्कोपिक। बहुत ही छोटे होते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते हैं। हमारी स्किन देख सकते हैं, पर स्किन के टिश्यू को और उसके एक एक सेल को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी, स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है।
ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं वो एक या एक से अधिक सेल से जुड़कर बनते हैं। तो जिन ऑर्गेनिज़म्स में, बड़े ऑर्गेनिज़म आप देखते हो, इनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो जिनमें बहुत सारे सेल होते हैं, जैसे कि हम, पेड़ पौधे, चींटी, हाथी, डॉग, काऊ, ये सारे प्लांट्स हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, छोटा पेड़ है, पौधा है, हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज़, वो सब, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, ये सभी माइक्रो बहुत सारे सेल्स से जुड़े हैं। तो इनको क्या कहते हैं हम? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जिन सेल्स में बहुत सारे सेल, ऑर्गेनिज़म्स में बहुत सारे सेल होते हैं, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म। कुछ ऑर्गेनिज़म होते हैं जो कि एक ही सेल से बने होते हैं, उनकी बॉडी में एक सेल जो है वो ही सारे फंक्शंस करता है। तो वो ऑर्गेनिज़म को हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर। यूनि मीन्स वन। तो देर आर सम ऑर्गेनिज़म लाइक पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, ऑल दीज आर मेड अप ऑफ वन सेल, सो दे आर सिंगल सेल्ड, दे आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म। और हम लोग क्या हैं? ह्यूमन बींग क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म। मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म, हमारी अर्थ पर सराउंडिंग में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, एल्गी है, फंगस है, इन सबको भी काउंट किया जाएगा। देर आर डिफरेंट शेप्स, उनकी अलग अलग शेप्स हैं, साइजेज हैं। देयर ऑर्गेन ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज, नंबर ऑफ सेल्स। लेट अस स्टडी अबाउट देम। नंबर ऑफ सेल के बारे में हम पढ़ें तो क्या है कि किसी भी स्मॉलेस्ट जो सेल है वो 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर के जितना हो सकता है, जिसमें बैक्टीरिया होता है। लार्जेस्ट सेल जो है वो, जिसे हम लार्जेस्ट सेल कौन सा कहा जाता है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो अंडा है उसका साइज हो सकता है 170 mm से इंटू 130 mm, इतना बड़ा लार्जेस्ट एग हो। लार्जेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच का एग है। स्मॉलेस्ट है वो PPLO है। लॉन्गेस्ट नर्व सेल हो सकता है स्मॉलेस्ट ह्यूमन की बॉडी में, जो सबसे छोटा होगा वो स्पर्म सेल होता है, और ब्लड सेल भी होते हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ में ये दिया हुआ है। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। मल्टी मीन्स बहुत सारे, सेलुलर मीन्स सेल। ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ सेल्स बींग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेल्स की जो संख्या है वो कम हो सकती है, ज़्यादा बड़े ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें संख्या ज़्यादा होगी। साइज जो है वो ज़रूरी नहीं है कि भाई बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हाथी है तो उसका एक सेल बहुत बड़ा होगा, ऐसा नहीं। वो भी छोटे छोटे सेल से, माइक्रोस्कोपिक सेल से ही जुड़कर बनता है, बस उसमें सेल्स की संख्या ज़्यादा होगी, टिश्यूज़ ज़्यादा होंगे। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियन ऑफ सेल्स बिगन्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें बिलियंस ऑफ सेल्स हो सकते हैं, वो उसकी लाइफ जो शुरू किससे होती है? एक सेल, सिंगल सेल से होती है, जो कि फर्टिलाइज एग है। फर्टिलाइज एग जो है वो मल्टीप्लाई करता है, एक के बाद एक उसमें डिवीजन होते हैं और उसकी संख्या बढ़ती जाती है। 8.3 A और B का जो डायग्राम है वो देखा जाए। ये जो इररेगुलर शेप देख रहे हो ये है अमीबा की, और जो ये एक आप देख रहे हो राइस के जैसी शेप है, चावल के जैसी, आप अपने शू सोल जैसी कह सकते हो, जूते का जो सोल होता है उसके जैसी, दैट इज़ पैरामीशियम। ये दोनों ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वन सेल है, ये पूरा एक सेल है, बस इसकी जो बॉडी है वो इरेगुलर शेप और शेप चेंज होती रहती है, फिक्स्ड शेप नहीं रहती। वहीं पैरामीशियम की जो शेप है वो फिक्स रहती है, बट है दोनों यूनिसेलुलर। अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इस, तो इनकी बॉडी में ये जो एक सेल है ना, यही सारे फंक्शन अटेम्प्ट करता है, यही डाइजेशन करता है, यही डिवाइड होता है, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, इनटेक ऑफ फूड, उसका एसिमिलेशन, सारे ये काम करते हैं। पैरामीशियम के बाहर जो आप ये लाइनें देख रहे हैं ना, हेयर जैसे प्रोजेक्शन देख रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये कहते हैं सीलिया, इनको कहते हैं सीलिया। ये मूवमेंट में हेल्प करती हैं, फ्लोटिंग में, फूड पार्टिकल्स को अपने पास लाने में, फिर उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म उन फूड पार्टिकल्स को अपनी बॉडी में लेता है। अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, वो क्या करता है कि फूड को कैप्चर कर लेता है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सब खुद ही करता है, कैप्चर करके फूड को डिजॉल्व कर लेता है और जो एक्स्ट्रा मटेरियल उसे वॉल, सेल वॉल के थ्रू बाहर निकाल देता है। वहीं जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है कि सेल क्या करते हैं? ग्रुप बनाते हैं,
ग्रुप बन के एक ऑर्गन टिश्यू बनाएंगे, फिर एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेंगे। मतलब जो डाइजेशन के टिश्यू सेल हैं वो डाइजेशन का काम ही करेंगे, जो लंग्स में सेल हैं टिश्यू हैं वो रेस्पिरेशन का, जो हार्ट में अलग तरीके के सेल टिश्यू हैं वो वहाँ का काम करेंगे। तो हमारी बॉडी में जैसे अलग अलग फंक्शन हैं और अलग अलग शेप है, ऑर्गन की स्पेशलिटी है, उसी हिसाब से सेल को अपना अपना काम दिया होता है। एक तरह से आप कह सकते हो ये डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। शेप ऑफ सेल, सेल की जो शेप है वो वेरी कर सकती है। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर? अभी हमने जो डायग्राम देखा उसमें जो अमीबा की शेप है उसको तुम कैसे डिफाइन करोगे? ये कौन सी शेप है? ये इररेगुलर शेप है, इसकी कोई नाम नहीं है, क्योंकि अभी ऐसी है, हमने इसमें ऐसी बनाई हुई है, कोई और बनाएगा वो दूसरी तरीके से बना देगा। तो जो अमीबा होता है वो इररेगुलर की शेप होता का शेप इररेगुलर शेप का होता है, और उसकी जो शेप है वो चेंज करती रहती है। इनफैक्ट इट डज नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप दूसरे ऑर्गेनिज्म के जैसे, इट कीप्स एंड कीप्स ऑन चेंजिंग इट शेप। अभी यहाँ पे आप एक प्रोजेक्शन देख रहे हो, उसको कहते हैं सूडोपोडिया, प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट। ये जो है फॉल्स फीट है, फॉल्स फीट मतलब थोड़ी देर के लिए बनाया गया, फॉल्स मतलब झूठा पैर, फीट मतलब जो चलने के काम आता। तो ये जो अमीबा है, अमीबा का मूवमेंट जो है वो उसे चलने में हेल्प करता है, ये सूडोपोडिया। सो नाउ इन दिस डायग्राम यू कैन सी हाउ अमीबा वॉक बाय यूजिंग लोकोमोशन, सूडोपोडिया वॉकिंग लोकोमोशन इन अमीबा। तो यहाँ पे ये देखो, ये सूडोपोडिया ऐसे ऐसे बनते जाते हैं, एक सूडोपोडिया जो इस तरफ जाएगा वो दूसरा वाला फिर वहाँ से उस जगह को छोड़, ये वाला जो है ना यहाँ वाला ये जगह छोड़ देगा और यहाँ वाला एडहेसिव हो जाएगा। इस प्रकार ये मूवमेंट करते हैं। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कैसे अमीबा जो है वो सूडोपोडिया को यूज़ करता है। तो फॉल्स फीट मतलब सूडो क्यों कहते हैं, तो कि फॉल्स फीट मतलब झूठा पैर, वो वैसे ये पैरों के जैसे इस्तेमाल करता है वो, एक्चुअली वो पैर होते नहीं है, वही जो सूडोपोडिया है वो फूड के लिए इंटेक के लिए भी इस्तेमाल होता है, इसलिए ये सूडोपोडिया इसे कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड सूडोपोडिया। तो दीज प्रोजेक्शंस अपीयर एंड डिसअपीयर, कभी बनते हैं कभी नहीं है, मतलब फिर अपनी शेप खो भी देते हैं, तो इसीलिए इनको सूडोपोडिया कहा जाता है। इसके बाद वाइट ब्लड सेल जो होते हैं ह्यूमन बीइंग में, वो दूसरा एग्जांपल है सिंगल सेल के हमारी बॉडी में, बट WBC इज अ सेल, अमीबा इज अ फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जो अमीबा है वो अपने आप में एक यूनिसेलर होते हुए भी एक फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म है, जो अपने सारे ही फंक्शन इस एक सेल की हेल्प से कर लेता है। वट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म विथ मिलियन ऑफ सेल्स? तो मिलियन ऑफ सेल्स होते हैं जिन ऑर्गेनिज्म, उनकी शेप कैसी कैसी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो कैसी उनकी शेप हो सकती है? 8.4 ABC में दिया हुआ है, ये ऐसी ऐसी सेल, कोई राउंड भी हो सकते हैं, कोई स्पिंडल शेप, ये नर्व सेल है जिसे लॉन्गेस्ट होता है, लॉन्ग ब्रांच्ड हो सकता है। तो इस प्रकार के सेल्स हमारी बॉडी में मिल सकते हैं। द नर्व सेल रिसीव्स एंड नर्व सेल क्या करता है, ये यहाँ से रिसीव करता है मैसेज और इस सेल बॉडी के थ्रू यहाँ तक एंड तक पहुँचाता है, और ऐसे करके दूसरे वाले सेल से जुड़ा रहता है, एक सेल दूसरे सेल से अटैच रहता है और मैसेज कन्वे करता है, जिससे कि हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ब्रेन वर्क करता है नर्व सेल की वजह से। जैसे पूरी बॉडी में सेल होता है स्मॉलेस्ट, वैसे ही नर्वस सिस्टम में स्मॉलेस्ट क्या होता है, नर्व सेल होता है जो उनका फंक्शनल यूनिट होता है। किडनी में फंक्शनल यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, जो आगे जाके आप पढ़ोगे। अब है साइज ऑफ सेल। द साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी एज स्मॉल एज मिलियनियर ऑफ अ मिलियंथ ऑफ अ मीटर, मतलब माइक्रोमीटर या माइक्रोन जितनी साइज हो सकती है, छोटे से छोटा सेल हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो इतना बड़ा हो सकता है, 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर का, जिसमें बैक्टीरिया आता है। वहीं लार्जेस्ट सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच का एग हो सकता है, जो हमने पढ़ा पहले। उबला हुआ अंडा जो है, अगर आप मुर्गी का देखोगे, कोई भी उबला हुआ अंडा तुमने देखा हो, तो तुमने एक वाइट मटेरियल सराउंड्स द येलो पार्ट, तुमने देखा ना वाइट कलर का जो मटेरियल है येलो पार्ट को, तो वाइट वाले को हम एल्ब्यूमिन बोलते हैं और येलो को योक बोलते हैं। तो ये जो एग है ये भी सिंगल सेल है। द साइज ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। कोई भी जो सेल है उसकी साइज का कोई रिश्ता नहीं है किससे,
बॉडी की साइज से, मतलब बहुत बड़ा एनिमल है तो ज़रूरी नहीं है उसका हर एक सेल बहुत बड़ा होगा, और इसलिए सेल की साइज़ छोटी रहती है बड़े ऑर्गेनिज्म में भी। तो देर इज़ नो रिलेशन ऑफ सेल साइज एंड बॉडी साइज। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन अ रैट, मतलब रैट के जो सेल हैं वो छोटे होंगे और एलिफेंट के बड़े होंगे, ऐसा नहीं होता है। द साइज ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, मतलब सेल की साइज जो है वो उसका रिलेशन किससे है, फंक्शन से, जैसा फंक्शन वैसी साइज एंड शेप। लाइक नर्व सेल जो है वो एलिफेंट और रैट दोनों में होता है और दोनों ही में ही ब्रांच्ड होता है और सेम फंक्शन परफॉर्म करता है मैसेज ट्रांसफर का। सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन। यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मैनी ऑर्गेन्स, सभी ऑर्गेन लिविंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेन होते हैं। ऑर्गेन मतलब जैसे हार्ट एक ऑर्गेन है, लंग्स ऑर्गेन है, किडनी, स्टमक, टीथ, टंग, फिंगर्स, हमारे हैंड, लेग, लिम्ब्स, ये सारे क्या हैं, हमारे ऑर्गेन हैं। ये ऑर्गेन जो हैं वो किससे बने हैं, टिश्यू से, और टिश्यू किससे बने, सेल से। सेल जुड़कर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू जुड़कर ऑर्गेन बनाते हैं। सेवन्थ क्लास में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, ऑर्गेन्स पढ़े थे जो कि मिलकर काम करते हैं, उसमें टीथ, टंग, ईजोफेगस, स्टमक, हमारे ग्लैंड्स, लीवर, इंटेस्टाइंस, एनस, ये सारे क्या हैं, अलग अलग ऑर्गेन हैं जो एक काम करते हैं, एक ही काम करते हैं। ईच ऑर्गेन इन द सिस्टम परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शन सच एज डाइजेशन, एक सिस्टम में, यानी हमारी बॉडी एक सिस्टम है और उसमें डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, इनके लिए अलग अलग सिस्टम ऑर्गेन्स हैं, सिस्टमेटिक मेथड है। तो वो सब ऐसा, ये सारा सब किस वजह से होता है, सेल्स का आपस में कोऑर्डिनेशन की वजह से। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ अ प्लांट, वैसे ही प्लांट में भी अलग अलग ऑर्गेन्स होते हैं अलग अलग फंक्शन के लिए। जैसे रूट जो है वो एब्जॉर्प्शन करती है वाटर और मिनरल का, लीव्स फूड सिंथेसिस करती हैं, जाइलम फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ऐसे स्टोमेटा होते हैं उसमें फ्लावरिंग के, रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट बनते हैं, सीड होते हैं, तो ऐसे ईच ऑर्गेन इज फर्दर में, तो हमें पता चला कि और हर एक ऑर्गेन जो है फिर आगे जाके क्या बनाता है, किससे बना होता है, टिश्यू से बना होता है। और टिश्यू किससे बना होते हैं, टिश्यू क्या होता है, व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू क्या होता है, एक ग्रुप होता है एक जैसे सेलों का जो कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन करता है, परफॉर्म करता है। नाउ पार्ट्स ऑफ सेल, सेल जो है, एक सेल को अगर हम स्टडी करें तो उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होगा, हमें क्या क्या पाया जाए, क्या क्या दिखेगा, क्या क्या मिलेगा देखने को, और उनके फंक्शन क्या होंगे वो देखते हैं। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, जैसे कि अभी हम इस डायग्राम में देखते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे दो सेल दिए हुए हैं, प्लांट के सेल और एनिमल सेल अलग अलग होते हैं। ये जो स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप का आप देख रहे हो ये तो प्लांट सेल है, और एनिमल सेल जो है वो ऐसा होता है, ऐसा एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, आपको अलग अलग तरह के डायग्राम देखने को मिलेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के। और आपको बनाने के लिए भी ऐसा नहीं है कि आपको स्पेसिफिक शेप याद रखनी पड़े कि इसमें ये वाला स्पॉट जो है वो यहीं होना चाहिए, नहीं। आपको मेन चीज़ क्या याद रखनी है, जैसे प्लांट सेल में बनाने के लिए क्या याद रखना है कि आपको बड़ा सा वैक्यूल बनाना है और कॉर्नर में या किसी भी एक तरफ धंसा हुआ सर्कल बनाना जो कि न्यूक्लियस होगा। तो एक सेल के अंदर हमको सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, ये ऐसे वैक्यूल्स मिलेंगे जो कि प्लांट सेल में बड़े और एनिमल सेल में छोटे होते हैं। न्यूक्लियस मिलेगा दोनों ही सेल में, प्लांट और एनिमल सेल में, उसमें जो ये लिक्विड होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस और बाकी सारी ऑर्गेनल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटो मीन्स सेल, प्लाज्म मीन्स लिक्विड फ्लूइड। तो ऐसा सेल के अंदर जो लिक्विड होता है जिसके अंदर बाकी सारे सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। और प्लांट सेल में एक और चीज़ मिलेगी, वो है क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट को हरा रखता है। तो प्लांट जो हैं वो हरे हमें क्यों दिखाई देते हैं, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है कि प्लांट सेल में बाहर की तरफ आप ये जो देख रहे हैं ना, ये सेल वॉल होती है। प्लांट सेल में सब आउटर जो कवरिंग होती है वो सेल वॉल होती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है। जबकि एनिमल सेल में, एनिमल सेल में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन ही होती है, नो सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो हम पढ़े थे सेल ऑर्गेनल्स, सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहरी जो हमने पढ़ी। तो अब सेल वॉल के बारे में नहीं पढ़ रहे हम, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, इसी में बीच में सेल वॉल आ जाएगी।
द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस. न्यूक्लियस मेन होता है, उसमें साइटोप्लाज्म होते हैं और बाहर की एक लेयर होती है जो सेल मेम्ब्रेन होती है. द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मतलब साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस हैं वो एक सेल मेम्ब्रेन के सराउंडेड होते हैं, जो कि जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. द मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन जो होती है वो सेपरेट वो सेल को बाहर की फ्रॉम दूसरे जो सेल हैं उसके अगल बगल वाले उनसे या फिर सराउंडिंग मीडियम से सेपरेट रखती है. मतलब एक ऐसा है जैसे कि एक तुम प्लास्टिक की थैली में पानी ले लो और उसे बंद कर दो, तो जो प्लास्टिक तो फिर ये जो प्लास्टिक की थैली है वो क्या है, एक मेम्ब्रेन हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन हो गई, जो कि अंदर के लिक्विड को बंद रख रही है और बाहर से कॉन्टैक्ट नहीं होने दे रही. और अगर ये मेम्ब्रेन फूट, ये थैली प्लास्टिक की फूट जाए तो क्या होगा, सारा लिक्विड बाहर बिखर जाएगा. तो वैसा ही सेल है, मेम्ब्रेन का काम क्या है, सेल के अंदर के सारे लिक्विड और सामान को अंदर की तरफ रखना, पैक रखना. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसमें वो पोरस होती है, उसके थ्रू सब्सटेंसेस जो हैं वो अंदर बाहर जा सकते हैं. वो पर वो भी ऐसा नहीं कुछ भी अंदर चला गया, वो अलाउ करती है कुछ सब्सटेंसेस को अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए, और कुछ को नहीं करती. तो वो चूजी होती है, इसको सेलेक्टिव मेम्ब्रेन भी कहते हैं. द बाउंड्री ऑफ द ऑनियन सेल, अब आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये ऑनियन के सेल का, ऑनियन पील को सेफ्रेनाइन में डुबाकर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो हमको ऐसे न्यूक्लियस दिखेंगे और ऐसे ब्रिक शेप्ड सेल दिखेंगे. तो ये बहुत सारे सेल दिख रहे हैं आपको, और जितने ये छोटे छोटे राउंड बॉल्स दिख रहे हैं जिसमें डॉट्स हैं, ये क्या है, न्यूक्लियस है. हर एक सेल में एक न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है. और फिर ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है. जिस द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है. यू हैव लर्नड अर्लियर दैट द सेल, अच्छा, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. तो आपको ये न्यूक्लियस देख लो इस वाले सेल में, और ये वॉल है, तो इस वॉल और न्यूक्लियस के बीच में जो यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी जो होगा वो साइटोप्लाज्म कहलाएगा. यू हैव लर्नड अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप टू द सेल, हमने पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल को शेप देती है. इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज एन आउटर, अब सेल मेम्ब्रेन तो हमने पढ़ ली, पर प्लांट्स में एक खास और खासियत होती है कि जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है, थिक लेयर, मोटी लेयर, वो कौन सी होती है, वो होती है सेल वॉल. तो सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, सेल वॉल इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल. दिस एडिशनल लेयर, एडिशनल है मतलब एक्स्ट्रा, सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर प्रोटेक्शन. तो इसका काम क्या है, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि एनिमल्स तो अपने आप को इधर सर्दी गर्मी बरसात बारिश में इधर उधर ले जाके अपने आप को शेल्टर में रख लेते हैं. प्लांट तो जड़ समेत वहीं मिट्टी में ही गड़ा रहता है, तो वो तो एक दूसरी जगह जा नहीं सकता. उसको अगर कोई गाय आके खा जाती है या कोई टक्कर मारती है या हम लोग उसको स्क्रैच करते हैं, तो उसको अपनी बॉडी को रिजिड और प्रोटेक्टेड रखने के लिए सेल वॉल की जरूरत होती है, कि भाई उसको थोड़ा सा ही नुकसान हो, सर्दी गर्मी बरसात टेम्परेचर इन सब का असर उस पर कम हो, उसके लिए उसके चारों तरफ सेल वॉल होती है जो कि उसे इससे प्रोटेक्ट करती है. प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमोस्फेरिक मॉइस्चर. दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशंस, ये क्योंकि ये प्लांट होते हैं, इन सारी जो मुसीबतें होती हैं ना, जैसे टेम्परेचर, हाई विंड, तेज़ हवा चल रही है, गर्मी हो गई, मॉइस्चर हो गया, इससे बचने के लिए उसकी उसको ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए सेल वॉल उसकी हेल्प करती है. द सेल कैन बी ऑब्जर्व्ड इन लीफ पील, ये जो सेल है हम पत्तियों में या कई पत्तियों में ऑब्जर्व कर सकते हैं कुछ टेक्निक्स के द्वारा. ह्यूमन चीक सेल, अगर हम ह्यूमन चीक, हमारे जो चीक सेल है, चीक मतलब हमारे गाल, अंदर की तरफ अगर हम अपनी फिंगर अपने गाल के अंदर की तरफ लगाएं और उंगली का प्रिंट, उंगली को बाहर उस चीक टच करके उंगली को बाहर निकालेंगे और उसको, तो हमारी उंगली पे हमारे चीक सेल आ जाते हैं, बस इतने ही वो पतली लेयर होती है जो चीक सेल हमारे उंगली से आ सकते हैं. ऐसा नहीं कि हमें बहुत सारा मांस निकालना पड़ेगा चीक सेल को ऑब्जर्व करने के लिए. उनको साइटोप्लाज्म, इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, वेरियस अदर कंपोनेंट और ऑर्गेनल्स. साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल वॉल के अंदर की तरफ जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है और बाकी ऑर्गेनल भी होते हैं, वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है.
दीज आर, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर और क्या क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होगी, गोल्जी एबॉडीज होंगी, राइबोसोम्स होंगे, ठीक है, और न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस जो है एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक तरह से वो जैसे कंप्यूटर का सीपीयू होता है हमारी बॉडी में, हमारा दिमाग होता है, वैसे ही सेल का न्यूक्लियस जो है वो सेंटर होता है। तो इट इज़ जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो होता है वो मोस्टली स्फेरिकल होता है, नॉट एकदम फुटबॉल का जितना स्फेरिकल, बट इट इज़, इट कुड बी ओवल और बट स्फेरिकल जनरल, और मोस्टली सेल के सेंटर में रहता है। प्लांट सेल में ये क्या होता है, कॉर्नर में धंसा हुआ रहता है ड्यू टू लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल होता है जो आप हमने अभी देखा था, तो उस वजह से ये कॉर्नर में धंसा हुआ रहता है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के चारों तरफ भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, झिल्ली। मेम्ब्रेन का वर्ड मीनिंग क्या है, झिल्ली। तो न्यूक्लियस सेल के चारों तरफ भी एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल के अंदर एक जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस, और ये मेम्ब्रेन जो है वो पोरस होती है, और ये भी पोरस होती है और अलाउ करती है मूवमेंट मटीरियल का सेल साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आने में और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आने में। माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम न्यूक्लियस को भी अगर स्टडी करें तो न्यूक्लियस के अंदर भी हमको एक न्यूक्लियोलस दिखेगा और उसके अंदर क्रोमोसोम्स एंड जीन्स मिलेंगे, क्रोमोसोम्स और जीन्स मिलेंगे। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि जीन, जिनमें जीन्स होते हैं, हेरिडिटी मटीरियल होता है। जैसे हमारे पेरेंट्स के करेक्टर जो हैं, फीचर जो हैं, पेरेंट्स बच्चे कैसे होते हैं, अपने माँ बाप के जैसे दिखने वाले होते हैं, एकदम सेम टू सेम नहीं, पर कुछ फीचर्स उनमें होते हैं, ब्लड ग्रुप वगैरह ऑफस्प्रिंग में आते हैं ये करेक्टर्स। तो ये जीन्स कैरी करते हैं जिनको क्रोमोसोम्स के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है। जब सेल डिवाइड होता है तो ये भी क्रोमोसोम्स हमको दिखाई देने लगेंगे, अदरवाइज ये क्रोमेटिन के रूप में रहते हैं। साथ के साथ न्यूक्लियस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल करता है सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ इन द सेल। सेल में जितनी भी एक्टिविटी है उसको कौन कंट्रोल करता है, सेल। द एंटायर कॉन्टेंट ऑफ लिविंग सेल इज़ नोन एज प्रोटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म सारे ऑर्गेनल्स को मिलाकर जो अंदर एक मटीरियल होता है, इन सबको कलेक्टिवली हम क्या कह सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये सारे क्या कहलाएंगे, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आएगा, प्रोटोप्लाज्म में आएगा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया और जितने भी ऑर्गेनल्स हैं ना, वैक्यूल, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे जो हैं लाइजोसोम, ये सारे प्रोटोप्लाज्म में काउंट होते हैं। सबको मिला के प्रोटोप्लाज्म बनता है। हमने जो ये प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। अभी आप डायग्राम में देख रहे हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दिया गया है। प्लांट सेल हैज़ अ सेल वॉल सराउंडेड द सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में सेल वॉल होगी एंड एनिमल सेल डज नॉट हैव एनी सेल वॉल। प्लांट सेल हैज़ लार्ज वैक्यूल और एनिमल सेल हैज़ स्मॉल वैक्यूल। प्लांट सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ओके, दीज आर क्लोरोप्लास्ट। एनिमल सेल में तो आपको पता ही है वो क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, टू ट्रैप सनलाइट। क्लोरोप्लास्ट की मदद से सनलाइट ट्रैप करते हैं प्लांट और फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में उसका इस्तेमाल करते हैं। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट। वहीं चौथा डिफरेंस हो सकता है कि सेल इन प्लांट्स आर मोर स्ट्रक्चर्ड बिकॉज ऑफ सेल वॉल, बहुत रिजिड होते हैं इसमें, इसकी वजह से, सेल वॉल की वजह से। और एनिमल सेल जो होते हैं वो ब्लॉबी होते हैं, उनकी कोई स्पेसिफिक ज़रूरी नहीं है कि वो एक स्क्वायर या एक फिक्स्ड शेप में हो, वो अलग अलग थोड़े ब्लॉबी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है मेन एनिमल सेल और प्लांट सेल में। अभी आप इसमें देख सकते हैं कि कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, कंपैरिजन। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में प्रेजेंट, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट। सेल वॉल प्रेजेंट और एनिमल सेल में एब्सेंट। न्यूक्लियस प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में।